जी हाँ, आपको बता दें कि सुजाता साधना मुझे जीने दो, मदर इंडिया, वक्त, पड़ोसन, हमराज जैसी कई बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रह चुके अभिनेता सुनील दत्त का आज जन्मदिन है। सुनील दत्त का असली नाम बलराज दत्त था, जिसे उन्होंने रमेश सहगल के कहने पर बदल दिया था। दमदार आवाज़, लाजवाब अभिनय से सुनील ने कई किरदारों में जान फूकी है। आपको बता दें कि इंडस्ट्री में 40 सालों तक अभिनय कर चुके एक्टर फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित भी हो चुके हैं। एक्टर लोकसभा MP और यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर के पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं। आज उनके जन्मदिन के खास मौके पर उनकी ज़िंदगी से कुछ जुड़ी खास बातें आपको बताएंगे। जी हाँ, सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 में नक्का खुर्द पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। महज 5 साल की उम्र में सुनील ने अपने पिता को खो दिया था। जब वो 18 साल के हुए तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा शुरू हो चुका था। सभी हिंदुओं को भगाया जा रहा था और उनका बेरहमी से कत्ल किया जा रहा था। उस समय सुनील के पिता के दोस्त याकूब ने उनकी परिवार को अपने घर में शरण देकर सभी की जान बचाई थी। यही कारण था कि सुनील का मुस्लिम लोगों के प्रति अच्छा रवैया था। जी हाँ, सुनील जैसे तैसे परिवार के साथ लखनऊ में बस गए। आपको बता दें कि रेडियो की नौकरी करते थे सुनील दत्त, और रेडियो की नौकरी के दौरान सुनील दत्त को एक बार नरगिस का इंटरव्यू करना था। नरगिस उस समय बेहद पॉपुलर हुआ करती थी। वहीं दूसरी तरफ सुनील एक आम आदमी थे। जी हाँ, इंटरव्यू के दौरान नरगिस को देखकर सुनील इतने नर्वस हो गए कि उनकी ज़ुबान से सवाल ही नहीं निकला। एक्ट्रेस उनका हाल समझ गई और उन्हें खुद सहज महसूस करवाने की कोशिश में लग गई। एक्ट्रेस द्वारा कंफर्टेबल किए जाने पर सुनील दत्त उनका इंटरव्यू ले सके। उस समय दोनों ही इस बात से अनजान थे कि आगे जाकर दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बनने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि रेलवे प्लेटफॉर्म से इंडस्ट्री में कदम रखने वाले सुनील दत्त की अगली फिल्म मदर इंडिया मिली थी, जहां उनकी दोबारा नरगिस से मुलाकात हुई और इस फिल्म में नरगिस ने उनकी मां का रोल निभाया था। ये फिल्म एक ज़बरदस्त हिट हुई थी, जिसके बाद सुनील को देश भर में पहचान हासिल हुई। मदर इंडिया की शूटिंग के कुछ समय पहले ही नरगिस और राज कपूर का रिश्ता ख़त्म हुआ था और एक्ट्रेस इस गम से उभरने की कोशिश कर रही थी। एक दिन मदर इंडिया के सेट पर ज़ोरदार आग लग गई और नरगिस बुरी तरह फंस गई। इस समय सुनील दत्त ने अपनी जान खतरे में डालकर एक्ट्रेस की जान बचाई थी। सुनील पहले से ही नरगिस को चाहते थे और इस हादसे के बाद उन्होंने नरगिस के दिल में एक खास जगह बना ली थी। फिल्म रिलीज़ होने के अगले साल ही दोनों ने शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे हुए, सुनील और नम्रता। जी हाँ, तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।